मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर योर चैनल दैट इज सीएल स्टूडियो। तो कल हम लोग लेट पहुंचे, काफी लेट पहुंचे और सोए सोके उठा। उठने के बाद आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मैं उठते ही मेरी बहन जो चेची जो प्रिंसेस चेची उसको बोल रही गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कल का जो है वो एंकरिंग का एंगोर मेरा गया नहीं है और मैंने उठते ही देखा चेची ने एक सुपर सा ब्रेकफास्ट हम लोग के रेडी किया है। आप लोग सोचते होंगे ये बहन से सब सारा काम करा रही है, क्योंकि मैं ही नहीं करा रही हूँ काम, वो खुद मेरे लिए कर रही है। बिकॉज शी इज सेइंग कि मैं भी थोड़े दिन के लिए यहाँ पे हूँ, तो तेरे को ही तुझे मस्त मस्त केरला का आइटम बना के खिला दी करके। तो यहाँ पे चेची ने आज कुछ तो स्पेशल बनाया है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पहली बार वॉच करें तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखते हैं आज चेची ने क्या बनाया है। तो यहाँ पे बन रहा है वेल्यपम चेची, वेल्यपम। इसको ऐसे रोटेट करना पड़ता है, ये स्पेशल बर्तन आता है ना इसका, ये जो है फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए स्पेशल बर्तन आता है, कुछ इस तरह से वो रहता है बर्तन। तो अभी इसने बनाने डाल दिया है। ये क्या कांदा की रस के अंदर, हाँ वो हटा दे, मिस्टेक से कांदा भी आ गया। तो चेची स्पेशल आज बना रही है मेरे लिए खास, मेरा वेडिंग एनिवर्सरी स्पेशल है आज, नाश्ता यहाँ पे वेल्यपम और वट्टा करी है जी। यस ओके सिज्जो, मैं कब से आपको बोल रही हूँ फ्रेश होके आ जाओ, आप नहीं उठ रहे हो। सिज्जो सिज्जो उठो, चलो 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 चलो, इट्स टाइम टू गेट रेडी। रेडी मीन्स जाके नहा के आना, बस और कुछ नहीं है। चलो जाओ 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 फटाफट, जल्दी जल्दी जाओ। उसको देख रहे, सबको देख रही है वो। दोनों का गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग के बाद इन दोनों को फ्रेश होने के लिए बहुत टाइम लगता है, स्पेशली बच्चे का डैडी को। जाओ जाओ कम ऑन गो, पापा अभी नहीं नहीं करके आएगा बाबा, ठीक है पापा को जाने दे, जाओ पापा। सिजो आज एनिवर्सरी में स्पेशल क्या है? स्पेशल तुम लोग बनाओगे, बाहर से तो कुछ मंगाएंगे नहीं। तो बना के आदमी तो बनाने का, रोज तो बना ही रहे। देखो खाना घर का ही चाहिए, बाहर का नहीं पसंद। तो ये 3 साल में 30 साल का एक्सपीरियंस कैसे लग रहा है? 30 साल मतलब 60 साल का लग रहा है ये 3 साल। गाइस हम लोग का ये थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी और मैं वही एमसी जो को टीज कर रही थी कि 3 साल में आपको मैंने 30 साल का एक्सपीरियंस दिया है। बट जो भी हो, जैसा भी हमारा लाइफ चल रहा है, इट्स गुड ना, जैसे जा रहा है अच्छा तो जा रहा है, अच्छा जा रहा है, तकलीफ है फिर भी ठीक है ठीक है। लेकिन काफी लेट हो चुका है, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सबका सब लोग फ्रेश हो चुका है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट बताई होगी, ब्रेकफास्ट बताया ना मैंने, अपम बोल मट्टा करी। हाँ नहीं नींद से जो पैपिनो ये मुझे निकी सिज्जो पैपिन इष्ट निकी सिज्जो पैपिन इष्ट ई मुझे हां ए मुस परा इष्ट एवडके पोणे पो बाइक चालू कर नी ओडी क्यों इने हां बाइक कौन चलाने वाला है, मुझ चलाएगा फिर कौन चलाएगा, सिज्जो पैपिन चलाएगा। सबको हाय बोल दे, तुम्बुर का फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं, तुम्बुर वाले को हाय बोल, हाय। इसने फ्रेंड्स सिज्जो ने मुझे तुझे नहीं चुप मेरे को बोलने दे, इसने मुझे बोला कि तुझे लॉन्ग ड्राइव में लेके चलता हूँ और काफी लेके आया पेट्रोल पंप पे। बराबर है ना, क्या चीटर है तू यार, घर से 5 किलोमीटर है पेट्रोल पंप में लॉन्ग ड्राइव के लाया मुझे और मैं एकदम बिचारी 5 किलोमीटर यही तो बोला मुझे बहुत तकलीफ है, तेरी तकलीफ है। सो फ्रेंड्स फाइनली सिज्जो ने मुझे बोला कि आज तू कुछ मत बना और टेंटेन यहाँ पे चाइनीज इंडियन चाइनीज में सिज्जो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जैसा मैं बनाती हूँ वैसा है क्या, उससे और भी अच्छा है। उससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना, अरे बाप रे पापा के नाक में डालने का उंगली बिंगली। अरे आज मम्मी पापा का वेडिंग एनिवर्सरी है, आपने विश किया हम लोग को, आपने हम लोग को विश नहीं किया ईसा कुत्ती, ईसा विश करो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी डैडी ये मम्मी पापा अप्पा अम्मा। गिफ्ट किधर है, गिफ्ट हम लोग का गिफ्ट किधर है, गिफ्ट यही तो हम लोग का गिफ्ट है, हम लोग की पापरी सुन परी चिंदरी बाबा ची बाबू चिंदरी आप हम लोग का गिफ्ट है ना बाबा,
है ना सबको हाई बोलो, मेरे मम्मी पापा को सब लोग को विश करने बोलो, बोलो सब लोग मेरे मम्मी पापा को विश करना और बहुत सारा ब्लेसिंग देना। बच बच ईसा का फेवरेट टाइम, क्योंकि ईसा पापा के साथ में ज्यादा एंजॉय करती है, मुझे बोलने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है बात को, कि ईसा का जो फेवरेट टाइम मम्मी नहीं पापा है ना। ईसा आप पापा की परी हो ना, पापा की परी होता है ना, डैडीज गर्ल एंड मम्मास वर्ल्ड। शाम का टाइम हो गया है, चाय पीने का टाइम हो गया है, चाय। अरे मेरी बीवी वेडिंग एनिवर्सरी में भी काम कर रही है, देखो देखो क्या क्या बना है भाई, क्या बना है मैडम? कुछ नहीं, ओ माय गॉड, ये तो तीन टाइप का फ्राइज है। स्माइली हमें नहीं चाहिए, स्माइली हमें नहीं चाहिए। क्यों? और स्माइली खाना चाहिए हमको, स्माइली मुझे वो फ्राइज और दूसरा गोल गोल बटाटा का वो बस हो गया। अच्छा स्माइली नहीं चाहिए मेरे को, और नहीं चाहिए बटाटा है वो, स्माइली नहीं चाहिए मुझे। मगर इतने में सबको पूरेगा नहीं, एक और ट्रिप बनाना पड़ेगा ना। तो अभी आप आज डैडी भी आने वाले है काम से, क्या देने वाले उनको भी ये फ्राई करना पड़ेगा ना तभी। यस तो कभी मत बनाओ उनके लिए फिर, ये तुम लोग के लिए से बस चाहिए। ठीक है तुमके लिए, तुम नहीं खाओगे ना फिर? मैं नहीं खाऊंगी, मैं वेरी गुड, डाइटिंग करो थोड़ा, डाइटिंग कर लो थोड़ा, डाइटिंग कर लो, ग्रीन टी पी लो, ग्रीन टी नहीं थोड़ा सा ट्राई करो, डाइटिंग करो, डाइटिंग करो। अभी लॉकडाउन खुलने वाला, फिर घूमने जाते वगे ऐसा नहीं चलेगा मेरे के साथ। अच्छा अभी 3 साल में तेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं चलेगा तो बराबर है ना, सही तो बोला मैंने, 3 साल में नहीं, मुझे ऐसा मोटी नहीं पसंद। डाइटिंग करो तू, आजाद है जो जा शादी कर चली जा, बस हो गया भाई, एक से शादी कर लिया बहुत हो गया, अभी दूसरे को संभाल नहीं सकता मैं। और सो फ्रेंड्स, जैसे हमने केक शॉप में एंटर किया, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्री थे और बहुत ब्यूटीफुल केक्स बना के ऐसे रखा गया था, लेकिन हमें जिस फ्लेवर का केक चाहिए था वो फ्लेवर था डार्क चॉकलेट, क्योंकि सिज्जो को जो है डार्क चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है। और फाइनली यहाँ पे हमें अंकल ने जहाँ पे जो शॉपकीपर है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग ये फ्लेवर का केक लीजिए, डार्क चॉकलेट है। इस तरह से वो प्यार से एकदम बड़े प्यार से वो सीरो लिख रहे हैं उसमें, उन्होंने पूछा ये सीरो का मतलब क्या है, तो हमने उसको समझाया कि इनका नाम सिज्जो है, सिज्जो से CI उठाया है और मेरा नाम रोजी है, वहाँ से RO उठाया, तो इस तरह से सीरो रेडी होता है और यहाँ पे हमारा प्यारा सा केक रेडी हो गया है, जिसे अभी हम जाकर ईसा के साथ में कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने यहाँ पे हमारा एनिवर्सरी का केक कट होने जा रहा है। इसे जो रात में क्या है, पर मुझे लगा चॉकलेट है, कैंडल है। वाओ कितना मस्त पैकिंग है इन लोगों का, नाइस बेवकूफ बनाया मुझे। क्यों? मेरे को चॉकलेट लगा इन लोगों का, तुझे लगा, बट नाइस कैंडल ना। इसे अभी ओपन करना है। जो तीन कैंडल लगना चाहिए ना अपना, तीसरा साल है ना, ऐश्वर्या तो 60 साल तक 60 लगाते बेटे के, एक तो देखो लग रहा 60 ईयर्स तक अपना शादी जाने वाला है करके, वो सब छूट केक के अंदर। चलो अभी ऑडियंस को दिखा दो जरा केक। सो गाइस, ये हमारा प्रीटी सा प्यारा सा एक केक जिसमें लिखा गया है सीरो। हैप्पी एनिवर्सरी दिख रहा है तुम लोगों को, पता नहीं मुझे इतना क्लियर नहीं है जो ना हैप्पी एनिवर्सरी, लाइट कम है। हाँ लाइट कम है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करके देखते हैं, नहीं हो रहा है, फोकस ही नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि क्यों ना ये स्पेशल मोमेंट हम लोग आप सबके साथ में भी शेयर करें, और ये हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है विद ईसा बेबी हमारे साथ है, हमारी ईजू। तो चलिए फिर हम काटते हैं, 3 2 1 पकड़ा, अरे वाह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मैरिज का
का केक कट हो रहा है, बट आप लोग के साथ में जो हमारा वन ईयर, मोर देन वन ईयर का जो रिलेशन है, उसके लिए भी एक एक बाइट आप सबके लिए भी बनता है। तो यह गोस गाइस, दिस इज ये पीस ऑफ केक आप सबके लिए, सो एंजॉय कीजिए और हमें खूब सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। यहाँ पे चिकन बिरयानी बना तो है, तो लेट्स सी कितनी खूबसूरती के साथ में बना है या फिर एक बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ है। पापा भी आया, पापा भी वेट कर रहा है खाना आने के लिए। मेरे को देख के तो अच्छा लग रहा है, लेट मी सी। सो गाइस, यहाँ पे चिकन बिरयानी बना है, आप लोग भी इसे देखकर ऐसे मन भर लो। सो फ्रेंड्स, मेरा बिरयानी फ्लॉप नहीं था, हिट था मगर थोड़ा स्पाइसी हो गया थोड़ा सा, मुझे पसंद नहीं है स्पाइसी, शायद उसके जैसे मुझे तीखा लगा होगा। हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही। वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे तीखा नहीं पसंद, मैंने उसके लिए शायद सोचकर ही मैंने कम स्पाइस बनाया उसके जैसे। वही तो मैं बता रहा हूँ, मुझे तो बोलने दो, मुझे स्पाइसी पसंद नहीं रहता है खाना कभी, शायद उसके जैसे मुझे तीखा लगा होगा, मगर बिरयानी बहुत ही टेस्टी था। पापा का भी बहुत, डैड का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मम्मी का भी था। बाकी बोलो, बाकी क्या, तो हमारे इस वीडियो में एनिवर्सरी, ऐसा हमारा एनिवर्सरी खत्म हो गया आज। हाँ, अभी एक साल के बाद मिलेगा ऐसा वाला ब्लॉग एनिवर्सरी वाला ब्लॉग, फिर एक साल के बाद मिलेगा, तब तक रहेगा ना साथ में, क्वेश्चन ही पूछने वाला रहेगा, साथ में रहेगा। नहीं, ये तो है साथ में, मगर ये सो गई हो, वो बेचारी बहुत स्ट्रेस में थी कल से, कुछ और ही ज्यादा तो नहीं, अकेले पे बोलेंगे। ओके गाइस, ये सब बकवास है, आप जैसे इग्नोर कर देना। तो हम लोग आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, हमारे इस ब्लॉग में बस इतना ही, तो विल कम बैक विद न्यू स्टोरीज, न्यू वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग। और शायद हमें एक और ब्लॉग मिल सकता है आप लोगों को, जो रोजी ने किया है फर्स्ट एंकरिंग का ये साल का, वो हमें थोड़ा कंफर्मेशन लेना है दो तीन जनों से, अगर वो एग्री हो गए तो हम लोग उसका भी ब्लॉग बना के डाल देंगे। शूटिंग तो हो चुकी है उसकी पूरी, हमने उनसे दूल्हा और दुल्हन से भी परमिशन लेना पड़ेगा कि उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनका भी पूरा रिलेटिव्स पूरा वीडियो में आने वाले हैं, तो उनसे थोड़ा परमिशन लेके अगर वो एग्री होते हैं तो उसका भी वीडियो आपको जल्द से जल्द आ जाएगा। नहीं, वो नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है, वो नहीं पॉसिबल है। अगर वो लोग मना करते हैं तो हम नहीं डालेंगे फोटो, शायद हम चाहिए तो फोटोज में डाल देंगे कम्युनिटी में, अगर वो लोग का परमिशन नहीं मिला तो, अगर मिला तो आपको जल्द से जल्द इसके बाद मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नहीं, अभी मैं टोकूंगी, अभी मैं टोकूंगी, नहीं तुम बोलो फिर। नहीं गाइस, मैं नहीं टोकूंगी, तो हम लोग मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। अंटिल देन कीप वॉचिंग सीरो स्टूडियो, और आप सबका प्यार हमें देते रहिएगा, सपोर्ट देते रहिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पहली बार वॉच कर रहे हैं तो, ये मैं बाहर करके रख चुकी हूँ, चैनल पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और घंटी भी दबाइए, बेल बटन। हमें किसी ने बोला घंटी बता पाते हैं, लोग बोलते नहीं, आप बेल बटन भी प्रेस करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, तो बेल प्रेस करना भूलना नहीं, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, दिल खोलकर कमेंट कीजिए, आपको जो बुरा लगा, गंदा लगा, अच्छा लगा, नहीं है, प्लीज गाली गाली नहीं, जो अच्छा बुरा जैसा लग रहा है वैसा बता सकते हो, क्योंकि यूट्यूब वाले उसको भी स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, और दूसरा उनका अकाउंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो गाली गलौज नहीं, गाली कोई नहीं देगा, हम बता रहे किसी को भी गाली गलौज नहीं, तो यूट्यूब वाले उसके भी अकाउंट में प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसी के लिए ठीक है, हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। लॉग आउट कर दो तो नींद आ रहा है। न्यू स्टोरीज, न्यू वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, सीरियसली, बाय बाय, गुड नाइट।